हरिओम आप सभी को, नमस्ते, कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद संदीप। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुल बॉडी वर्कआउट, फुल बॉडी वेट लॉस। ओके, बस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम मार्च करेंगे स्टैंडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमने जो वार्म अप एक्सरसाइज है, हमने 30 सेकंड तक एक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? मतलब करते रहो। इसमें क्या है, आप करते रहोगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखोगे, सांस लेना सांस छोड़ना ये करते रहना, ठीक है? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है रनिंग करनी है आपने एक ही प्लेस पे, ठीक है? रनिंग ऑन प्लेस। करते रहने करते रहने, जितने बैक आप उठा सको उतने उठाइए। नेक्स्ट करनी है हमने ट्विस्टिंग। एक साइड में जाके हमने दो फ्री करना है ऐसे टू टाइम। आप ये करना, ठीक है? हाथों को भी घुमाना है, हाथों के साथ को लेना है ऐसे। अब करना है स्क्वैट, जितने पैर खोलने हमने, ठीक है? ये ईच वार्म अप है जो आपने 30 सेकंड तक करनी है। बैक को अपने स्ट्रेट रखना, ठीक है? करते रहने करते रहने। आप पीछे से इस एक्सरसाइज में पूरी वीडियो में आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब है मेन एक्सरसाइज। ओके, ईच एक्सरसाइज टू सेट पर एक्सरसाइज 40 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैट ले लीजिए, मैट के फ्रंट में खड़े हो जाइए, ठीक है? हाथ ऊपर लीजिए और पुल कीजिए ऐसे वापस जाना और फिर आना। यह आपने 40 सेकेंड तक करना, करते रहना आपने 40 सेकेंड तक। मुझे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आपने ये 40 सेकंड तक करते रहे, ठीक है? ऐसे 40 सेकंड के बाद आपने एक्टिव करना है, सॉरी रेस्ट करना है। एक्टिव रेस्ट आप ऐसे कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, जैसे आपको फील लगे। उसके बाद हमने 15 सेकंड के बाद हमने जंपिंग जैक करना है, ठीक है? पैर खोलिए, मैट के सेंटर पे आ जाइए।
हवा में टच करना है 15 सेकंड, आप वॉक कर सकते हो खड़े खड़े, आप रन ऐसे कर सकते हो, ये वो खाना करना तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा से पहली एक्सरसाइज 40 सेकंड तक करनी है, ये वाली। ये ईच एक्सरसाइज 2 सेट एंड ईच एक्सरसाइज 40 सेकेंड, ओके। फिर 15 सेकेंड रेस्ट, जैसी भी आपको लगे वॉकिंग कीजिए, ऐसे जंपिंग कीजिए। अगेन जंपिंग जी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं जिससे आपको एक्सरसाइज करने में और रुचि हो जाएगी। यू कैन प्ले विद बैकग्राउंड म्यूजिक, देन यू फील टू कंफर्टेबल प्रैक्टिस। ये आपका एक दो एक्सरसाइज के एक सेट हो गया, जिसमें दो सेट एक एक्सरसाइज के हैं। अब नंबर 3 में क्या है, पैर हाथ ऐसे करने हैं, ठीक है। एक पैर खोलना है, फिर ट्विस्ट करना है, ये बैंक करना है, ठीक है। वापिस आना है, फिर ट्विस्ट करना है। ये भी आपने 40 सेकंड पर करना है, जितना आप ट्विस्ट कर सको उतना कीजिए। फिर हमने रेस्ट करना है, ठीक है, वॉक करनी है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट जंपिंग जाए, आपने हाथों को ऐसे रखना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। दूसरी जंपिंग जाए, करते रहना, करते रहना, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 40 सेकंड रेस्ट, पंद्रह सेकंड रेस्ट के बाद आपने जो पहले एक्सरसाइज करी थी वो दोबारा करनी है। पैर जोड़े खड़े हो जाना, ऐसे लाना है। ये 40 सेकंड आपने कंटिन्यू नॉन स्टॉप करना है, कमर को ट्विस्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज जंपिंग जैक फिट टुगेदर देन हैंड्स इन योर डू इट वन लाइक दिस 40 सेकंड कंटिन्यू नॉन स्टॉप। सांसों को लेते रहना है, छोड़ना है।
छोड़ना है. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ये हो गया आपके 4 से 8 सेट हो गए. अब क्या करना है, अब हमने नीज को ऊपर उठाना है ऐसे करके, जंपिंग करके ऐसे करके, ठीक है, और एक साइड में होल्ड करना है ऐसे. दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया. ये रेस्ट हो गया आपका. वॉक कर सकते हो, खड़े खड़े ऐसे कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद फ्लाइंग जंप, जंपिंग जैक. ओके, पैरों ऐसे खोलना, हाथ ऐसे रखना, ठीक है. स्टार्ट. करते रहने, करते रहने, रुकना नहीं है बिल्कुल भी. इस एक्सरसाइज क्या है, ये आपकी 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज है, ठीक है. इससे आप 300 से 400 कैलोरी बर्न कर सकते हो, और अगर आप डेली करते हो इससे तो आप 10 किलो से 15 किलो वजन घटा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, हाई नी जंप. ओके, ठीक है. 15 सेकंड का रेस्ट आपने करते रहना, करते रहना, ठीक है, बीच में रुकना नहीं है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लाइंग जैक. ओके, बिगिनर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपने 40 सेकंड ही करनी है, ठीक है. ये ऐप की एक्सरसाइज है. यहाँ पे ऐसे लेट जाना आपने, हाथों को ऐसे कानों पर रखना है और ऐसे उठाना है, ठीक है. आपका सिर नीचे नहीं जाएगा, सिर पैर उठाना है. ये बिगिनर के लिए है, ठीक है, ऐसे उठाना. ये आपने भी 40 सेकंड ही करना है, ठीक है. फिर आपने एक्टिव रेस्ट करना है. यस, पैरों को थोड़ा दूर रखिए.
योगी अपनी चल से दूरी, ठीक है। फिर आपने एक्सरसाइज करना है, वॉक कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे जंप कर सकते हो। अब करने हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको पैरों को जोड़ के ऐसे कर देना, ठीक है, हाथों को ऊपर लेके जाना है और एक पैर नीचे ऐसे करना है। ये भी आपने 40 सेकंड ही करनी है, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, बट आपने हाथ और जो आपके सिर है वो नीचे नहीं रखना है। आपको दो ही एक्सरसाइज में पता लग जाएगा कि आप ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 15 सेकंड आपका रेस्ट हो गया, फिर दोबारा वहीं से दूसरा सेट करना है उसका यहाँ पे, ठीक है। 40 सेकंड कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है आपने नी जो है जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो वो 90 डिग्री बेंड हो, आप शीशे के सामने कर सकते हो, ठीक है। कमर आपने सीधी रखनी है, झुकना नहीं है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कमर आपने सीधी रखनी है, सांसों पे पूरा ध्यान, एब्स पे पूरा ध्यान, मसल पे पूरा ध्यान रखना। ये होगी आपकी एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं प्लैंक स्लिप, ओके। क्या है प्लैंक स्लिप में? पैर इतने खोलने हैं, अपने यहाँ शोल्डर को टच करना है, शोल्डर को टच करना है। अगर ये आप बिगिनर हो, आपने नी को नीचे रख के ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे। अदरवाइज आपने ये करना है, पैर खोलने हैं, आपने शोल्डर को टच कर लिया, ऐसे करके कोशिश करना कि आप हिप्स को बीच में रख पाए, अदरवाइज फोकस ऑन योर एब्स, कंटिन्यू नॉन स्टॉप ब्रीदिंग। कोशिश करो जितना ऊपर आ सके, ये हो गया आपका 40 सेकंड, ठीक है। आपने भी ऐसे प्रेस कर रहा होगा, वो कर सकते हो, आप ऐसे जंप कर सकते हो। नेक्स्ट हम प्लैंक में जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था बिगिनर के लिए ऐसे नीज को ऊपर रख के ऐसे करना है, ठीक है। अदरवाइज आप बिगिनर नहीं हो तो ये करना है, पैर खोले हैं ऐसे करना, कोशिश करना कि हिप्स
ज्यादा ऊपर ना जाए, शोल्डर के लेवल पे रहे। जो आपका हार्ड वर्क है आपको रिजल्ट जरूर देगा। चालीस सेकेंड ईच एक्सरसाइज, 15 सेकेंड आफ्टर ईच एक्सरसाइज यू टेक रेस्ट। पैर खोल लेने हाथों कैसे, ये यस यस ये ऐसे ऐसे करना है, डाइट का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप एक महीना ये एक्सरसाइज करो डाइट जहरा मुझे भी पति जमा मजे में खाओ, नहीं, डाइट का पूरा ध्यान रखना है तभी आप वजन कम कर सकते हो। गारंटी देता हूँ मैं आपको 10 से 15 केजी इस एक्सरसाइज से आप घटा सकते हो। ये होगी आपकी 40 सेकंड की लास्ट एक्सरसाइज। अब हम करते हैं दूसरा सेट। दूसरा सेट क्या करना है, आपने इतने पैर खोल लेने हैं और आपने ऐसे जंप करना है, ठीक है, ऐसे जंप करके जाना है ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ओके, ऐसे जंपिंग करना है, ठीक है, ये भी आपने 40 सेकंड ही करना है। 40 कोशिश करना कि कंटिन्यू रखे, पीछे आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो, ठीक है, जितना हो सके उतना कीजिए जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। या आपने 40 सेकंड करना है, टाइम आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम जैक नेक्स्ट एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है, आपने ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, आपने क्या करना है हाथों को ऊपर उठाना है, फिर नी को नीचे लाना है, सॉरी नी को ऊपर लाना है, हाथों को नीचे ऐसे। समझ के करना है, ये याद रखना है कि आपने कमर सीधी रखनी है, आपकी कमर को झुकाना है, नी को जितना ऊपर ला सको अपने घुटने को छाती के पास लाए, ब्रिंग योर नी नियर योर चेस्ट, ये ऐसे करना है। 40 40 सेकंड के बाद आपको रेस्ट करना है 15 सेकंड, उसके बाद फिर कंटिन्यू वो करना है, ठीक है। तो आपका 40 सेकंड का ही हो गया, अब 15 सेकंड का आपका रेस्ट हो गया। 15 सेकंड में आप घूम वॉक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, करते रहिए। आप मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप पूरा डाइट फॉलो करोगे और इस एक्सरसाइज को, इस पूरी क्लास को आप पूरा एक महीना फॉलो कर गई तो आपका वजन 10 से 15 केजी कम हो सकता है। आई गारंटी, मैंने इससे किया हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है अपनी वाइफ के साथ। उसको 2 साल हो गए हैं डाली हुई, तो मैंने आपके लिए ये दोबारा डाला ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हाई नी जैक, ऐसे पैरों को जोड़िए, ऐसे उठाइए, ऐसे कीजिए, 40 सेकंड आपने कंटिन्यू करते रहे नॉन स्टॉप।
ठीक है, जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उनकी दो सेट होते हैं, दो सेट पर सेट था आपका 30-40 सेकंड का होता है वर्कआउट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रंच करना है, ठीक है। अब इतने पैर खोल लीजिए, ऐसे रखिए, फिर ऐसे नी को उठाइए, साइड में खोलिए नी को, ठीक है, ठीक है। ये आपका लव हैंडल की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जितना हो सके उतना कीजिए। यहाँ पे आकर अपनी ब्रीथ लेनी है या छोड़नी है, ये बिगिनर के लिए है। और दूसरी मैं कर देता हूँ, ये आप लेग्स को स्ट्रेट करके भी ला सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर जो आप दोनों कर सकते हो, आप इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है। पहले बैंड करके कर लीजिए, फिर आपको लेग स्ट्रेट करके कर सकते हो। ये आपके 40 सेकंड की हो गई, ठीक है। फिर 15 सेकंड आपका रेस्ट हो गया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हर एक्सरसाइज के बाद आपका 15 सेकंड का रेस्ट है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अब क्या करना है, आपने प्लैंक में जाना है, ठीक है। प्लैंक में जाके आपने पैर उठाना है, यस, ऐसे करें। कोशिश करनी है जो आपके हाथ हैं वो शोल्डर लेवल के रहे, ताकि बाहर ना जाए, ठीक है। 40 सेकंड तक करना है, कंटिन्यू करना है 40 सेकंड। फिर आपका 15 सेकंड रेस्ट हो गया। फिर दोबारा से जैसे कि सांस लेके आपने बीच में आना चाहिए, ओके। ये आपका 40 सेकंड हो गया, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, 15 सेकंड रेस्ट। फिर आपने मैट के सेंटर में आ जाना, ठीक है। दोबारा से ये ऐसे जब कर आपको ऐसे करते रहना है। आपने एब्स पे ध्यान रखना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एब्स मसल। जैसे आप ऐसे ट्विस्ट करोगे, इस साइड से आपका स्ट्रेच होगा, इस साइड से ये जो ये वाली लग जाएगी तो इस साइड से स्ट्रेच होगा, ये जाएगी तो ये होगा, ऐसे 40 सेकंड आपने करते रहना है, ऐसे 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 40 सेकंड रेस्ट कीजिए। दोबारा से आपने नी को छाती के पास लेके जाना है, पहले हाथ ऊपर ऐसे कंटिन्यू आपने 40 सेकंड करते रहना है। सेकंड आपको हो गया, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने एक साइड बिल्कुल फिर जोड़ के आपने खड़े हो जाना है, और हाथों को ऐसे करना है, ऐसे ले जाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये नीज को बाहर लाना है, ठीक है। आप लेग स्ट्रेट भी कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, जितना जो सा आपको कंफर्टेबल लगे, बैंड नहीं कर सकते हो,
फ्लैग स्ट्रेट कर सकते हो, जो सा भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। रेस्ट, अब क्या करना है आपने, प्लैंक में जाना है, ठीक है। प्लैंक में जाना है आपने, लेग्स को उठाना है, वन लेग को, ठीक है, ऐसे उठाना, ऐसे करके और सामने की तरफ देखना है आपने, मतलब गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, सिर्फ सामने की तरफ देखना है, लाइक मैट के कॉर्नर तक। दोबारा से आपने वही करना है, दूसरा सेट, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का दूसरा सेट करना है, ये हाथ ऐसे, पैर ऐसे, बैलेंस बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए, रेस्ट, दोबारा से हम लाइन पे जाएंगे और लेग को उठाएंगे वन बाय वन, ऐसे आपके लिए मैं इजी कर देता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, आपके लिए इजी कर देता हूं, जो सा भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप कर सकते हो। उठाइए जितनी ऊपर सके अपनी लेग्स को उठाइए, ऐसे ऐसे 40 सेकंड। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को जोड़ना है हाथ ऊपर और टोस को शोल्डर लेवल पे लाना है, ठीक है, रिमेंबर दैट बोथ लेग स्ट्रेच, ओके, कृपा करके अपनी दोनों टांगों को सीधा रखिए और लेग को सीधा ऊपर की तरफ उठाइए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है, ये आपकी 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज है, इंक्लूडिंग योर सन सीरीज, सॉरी 40 मिनट इंक्लूडिंग योर सन सीरीज, इसके बाद रेस्ट, नेक्स्ट जंपिंग जैक, ओके, ये हम पहले भी कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड, रेस्ट, ईच एक्सरसाइज आफ्टर यू हैव टू टेक रेस्ट 15 सेकंड, ओके, नेक्स्ट हैंड्स हियर, मोर मोर
जितना हो सके उतने ऊपर लेग्स उठाइए, लेग्स को स्ट्रेट रखिए। जो आपकी नीचे की तरफ लेग होगी वो स्ट्रेट रहेगी, ओके। कोशिश करना स्ट्रेट रहे, ठीक है। Next, jumping jack. The last exercise of this class. ये होगी आपकी पूरी क्लास। इससे पहले कि आप आए मैं बताता हूं, तो बेसिक एक्सरसाइज पहले करनी है आपने, जैसे ये वाली होगी। उसके बाद आपने सन सीरीज करना है 21 टाइम 21 राउंड, ओके। फर्स्ट द सन सीरीज ए 10 राउंड, सन सीरीज बी 11 राउंड। सो ये आपके 21 राउंड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करना है ये एक्सरसाइज, ओके। नमस्ते, हरिओम आप सभी को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।